जॉनसन सरकार ने संसद में जीता विश्वास मत। मध्यावधि चुनाव की संभावना टली। निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने 349 में से 238 वोट पाकर जीत हासिल की। जॉनसन की सरकार ने सोमवार रात को मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के प्रतिद्वंदी रवैये को देखते हुए विश्वास मत का आह्वान किया था। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार ने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत जीत लिया है। सदन के सांसदों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री की सरकार का समर्थन किया है। इससे सरकार के सामने मध्यावधि चुनाव का संकट टल गया। सरकार ने 349 में से 238 वोट पाकर जीत हासिल की। जॉनसन की सरकार ने सोमवार रात को मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के प्रतिद्वंदी रवैये को देखते हुए विश्वास मत का आह्वान किया था। विश्वास मत हार जाने पर सरकार को आम चुनाव करना पड़ सकता था। इस बीच विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर ने सांसदों से जॉनसन के लिए अविश्वास प्रस्ताव देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, ब्रिटेन लेबर के साथ एक नई शुरुआत का हकदार है। अब हम अराजक टोरी पार्टी से आजाद हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता इयान ब्लैकफोर्ड ने कहा, आज हमारे पास एक नाकाम पीएम और एक रूढ़िवादी पार्टी पर अपना फैसला डालने का मौका है जो हमारे सामने गिर रही है। ब्रिटिश संसद की वेबसाइट पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का प्रसारण किया गया।